मध्य प्रदेश उपचुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल होने पर गंज बासोदा में विधायक कार्यालय पर जश्न मनाया गया। प्रदेश की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को 19 सीटों पर जीत मिलने और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर जीत की खुशी में गंज बासोदा विधायक लीना जैन के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी की और मिठाइयाँ बांटी। विधायक लीना जैन ने प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता तय की। उन्होंने बताया कि खेल स्टेडियम और 100 बिस्तरों का अस्पताल, ग्यारसपुर क्षेत्र में जल संकट की समस्या का निराकरण और मिनी स्मार्ट सिटी के कार्य में तेजी लाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। गंज बासोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, श्रीमान सिंधिया जी की, मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी की और सर्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की है, जिन्होंने दिन रात पिछले 13-14 सालों में इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश की जनता के विकास के लिए दिन रात एक किया। यह जीत में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इस सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अहम भूमिका है। उन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए जो त्याग किया है, इसके लिए कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। उनका त्याग, जो उनके परिवार का त्याग रहा है इस प्रदेश के लिए, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ जो भाजपा ज्वाइन करी और जो ये परिणाम आए, इसमें पूर्ण रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की अहम भूमिका है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि EVM में गड़बड़ी की गई, इसलिए हमारे ये कांग्रेस की हमेशा की परी पार्टी हो गई है। अब जैसे ही चुनाव, अभी तो ये मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है, थोड़ी देर और रुकी है, ये बिहार में भी कहा जा रहा है। बिहार के चुनाव को लेकर बात करते हैं ऋतु जी, तो जो शुरुआत रुझान थे वो तेजस्वी जी के पक्ष में चले जा रहे थे, वहीं कुछ समय बाद एकदम नीतीश जी के पक्ष में हुए, तो क्या कहेंगे? ये बिहार के सुशासन की, नीतीश कुमार जी की और आदरणीय मोदी जी की सोच की जीत है। ये आप देखेंगे, तेजस्वी यादव जी का प्रदर्शन संतोषजनक है, परंतु जो कार्य पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार जी ने करे, ये उसकी जीत है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में जो 6 साल में कार्य करे हैं, उसकी जीत है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जनता ने प्रचंड बहुमत बीजेपी को दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से आने की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना है, जनता ने हमारे आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री जी को चुना है, जनता ने बता दिया कि कौन से मुख्यमंत्री जी किस तरीके से काम करते हैं और जनता का इसने बहनों का अपने भाई पे है, बेटियों का अपने पिता पर है और बच्चों का अपने मामा पर है, ये सिद्ध कर दिया। इस सफलता के पीछे आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का सफलता के लिए श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को देना चाहती हूँ, जिनके जो भी कार्यकाल में उन्होंने 6 महीने में जो भी करके दिखा दिया, उसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए बोलूंगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी VD शर्मा जी के लिए कहूंगी, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी, क्योंकि हमेशा जनता के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं और गरीब भाइयों के साथ। किसानों में तेजस्वी के पक्ष में जा रहे थे तो वहीं पटाखे भी फूटे गए और हुरमालाओं से स्वागत भी किया गया उनको, और एक तरफ जब दोबारा रुझान नैले पे दलाल की बात हुई तो मोदी जी के वोटिंग पक्ष में हुए, क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य करा पिछले 6 सालों में और जो हमारे आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से कार्य करते चले जा रहे हैं गरीबों के लिए, जनता के लिए, और सबसे अहम जो मुद्दा कई सालों से पड़ा हुआ था, हमारे आराध्य श्री राम भगवान जी जो कभी मंदिर में नहीं बैठ पा रहे थे, आज उनके लिए उनका स्थान वापस दिलाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, वो निर्णय ही हमारी जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करता है।
आप बीजेपी से विधायक हैं और अब चूंकि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार एमपी में बनने जा रही है, आपकी प्राथमिकता आपके विधानसभा क्षेत्र में एक प्रमुख क्या रहेंगी? मेरी विधानसभा में मेरी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है, क्योंकि ग्यारसपुर क्षेत्र में पानी की समस्या ज्यादा है, तो मैं उस ओर ही ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। बासोदा में खेल मैदान की समस्या मेरे सामने सबसे ज्यादा आ रही है, तो मैं अपने बच्चों को, बासोदा के बच्चों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं, मेरा निर्णय सबसे पहला अगर होगा तो खेल मैदान के लिए होगा। हमारी स्मार्ट मिनी सिटी का काम पड़ा हुआ है, मुझे उस पर भी सबसे पहले काम करवाना है। इसके अलावा जो मेन समस्या है, जिससे शायद आप लोग भी रूबरू हमेशा रहते हैं, एक अस्पताल की समस्या जो मुझे सबसे ज़्यादा अहम लगती है, क्योंकि एक जीवन में सब अगर कभी भी आवश्यकता है तो अस्पताल तो जाना ही पड़ता है, और हमारे बासोदा में अस्पताल व्यवस्था वाकई अच्छी नहीं है, मैं स्वीकार करूँगी। और मैं बहुत जल्दी, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं बासोदा में एक अच्छे अस्पताल, 100 बेडेड अस्पताल की को स्थापित करवा पाऊँ, डॉक्टर्स को लेके आऊँ, क्योंकि सही में बहुत समस्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।